माघ के अन्वेषण में मैनाक जी मिले, सुरसा मिली, फिर आगे सिंहिका को गति दिया, राहु की मम्मी है सिंहिका, और लंकिनी मिली, लंकिनी को एक घोंसा हनुमान जी ने धाई मारा, उसका रक्त बाहर निकला, संहार कर खड़ी हो गई। और जब खड़ी हुई तो कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव प्रविश नगर की जय सर हृदय राख को सलपुर राजा। अब प्रवेश करिए लंका में, आपका जो राम कार्य है सब संपन्न करिए। देखिए प्रवेश द्वार पर बैठी लंकिनी ने कह दिया, जाइए सब करिए। लेकिन श्री हनुमान जी कुछ पूछते नहीं है कि कहाँ कहाँ क्या है। कारण लंकिनी का काम था द्वार पर रोकने का। अब जब प्रवेश मिल गया तो हनुमान जी अपने स्वविवेक से पूरा अन्वेषण करते हैं। कितना मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा देखे जाता गलित जोधा दसानन मंदिर माही यदि विचित्र कहि जात सुनाई शयन किए देखा कपि देहि मंदिर मौन देख भय देहि पावन एक पुनि देख सुहावा युधयंकित गृह शोभा नव तुलसिका वृंद रामायुध धनुष बाण बने हैं, राम नाम अंकित है। अरे हनुमान जी महाराज सोचने लगे, लंका निशाचरी नगरी, यहां कहां सज्जन कर बासा। अब देखिए श्री हनुमान जी मन में तर्क कर ही रहे हैं, इतने में भगवान ने विभीषण जी को जगा दिया। मनमोह तर्क करें कपिलागा ठीक ते ही समय विभीषण जागा। और जगे भगत जी तो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमान जी सोचने लगे, ये कोई मायावी तो नहीं है, लंका में रहता है और श्री राम जय राम कहता है, सारा ये राम मंदिर बना रखा है, ये आदमी है कौन। यही सन हठ करी हूँ पहचान क्यों साधु ते हो इन कारज। श्री हनुमान जी भी प्रवेश धारण किए और इधर भी बोले, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सुनत विभीषण उठी तह आए करी प्रणाम जय राम जी की। श्री हनुमान जी भी बोले, जय राम जी की, आपकी तारीफ। आप यहां असुर नगरी में कैसे कृपा भई, कौन है आप, अनेक प्रश्न। श्री हनुमान जी ने कथा सुनाई, आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाल निर्दलनम समुद्र तरणम। यहाँ तक कथा सुनाई, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। श्री हनुमान जी ने जब अपना नाम बताया कथा उपरांत तो विभीषण जी गदगद हो गए। काहे भगत से भगत पहली बार श्रीलंका नगरी में कोई भगत आया। ऐसे तो आने जाने वाले बहुत, रावण का जैसा स्वभाव है वैसे समाज के लोग आते होंगे। पहली बार लंका में भगत जी आए, विभीषण जी गदगद हो गए, चलो हमारा भी कोई आया। कई लोगों के घर में कोई जाता ही नहीं है, काहे कई लोग झगड़ालू होते, कोई आता है तो उससे झगड़ा कर लेते,
आदमी डर के मारे नहीं जाता, न जाने क्या बोलने लगे। लेकिन भगत के यहाँ तो आना जाना लगा ही रहता है साहब। देखिए, जब आप स्नेह करिएगा तो हर व्यक्ति आना चाहेगा। स्नेह करिए, आदर दीजिए, प्रशंसा करिए, जो आए उसकी प्रशंसा करिए। आप आए और बाहर आई, वाह वाह वाह, क्या बात है। आपका आना हमको बहुत अच्छा लगा। देखिए, कोई आए ना, उसके स्वागत की नौ विधि है। जो आया है, द्वार खोलकर उसका सम्मान करिए, साथ में बैठिए, कुशल क्षेम पूछिए, ठंडा गरम क्या लेंगे। वाह बहुत अच्छा। सोच ही रहा था हम चलें, लेकिन आप आ गए। ये पुराण की स्कंद पुराण में लिखा है, आप आ गए, बड़ी कृपा हुई। मैं तो इतना व्यस्त रहता हूँ, आ ही नहीं पाता हूँ। खैर, हम भी आएंगे जैसे समय मिलेगा। बाल बच्चे, परिवार कुशल, कोई विशेष प्रयोजन है? अच्छा, क्या लेंगे बताइए। आदि आदि आया, उसके साथ बैठिए। कई लोग, कोई आ गया, बैठ गया तो टीवी चला लेते हैं। हाँ, कैसे आए? तुम्हार खोपड़ी तोड़े आए। अरे भाई, टीवी बाद में चला लेना, जो आया है उसका स्वागत तो करो। आगते स्वागतम सारम, रात्रि सारम च जागृणम। आपके घर कोई आ गया, अरे किसी के यहाँ कोई जाता है क्या? आप कथा में किसी को बुलाए, उनका आदर करिए, उनका सम्मान करिए। आप अपने न बैठिए, उनको बिठाइए, स्नेह करिए, जाएं तो उनको द्वार तक छोड़िए। ये हमारा संस्कार होना है और यही हमारा स्वभाव रहना चाहिए। आदमी को आना अच्छा लगे, जाना अच्छा नहीं लगे। खिलाइए पिलाइए, कुशल क्षेम हो, संग बैठिए, विदा द्वार तक करना चाहिए। द्वार तक, जब तक उनका गाड़ी, स्कूटर, साइकिल दूर ना हो जाए, तब तक प्यार से देखते रहिए, उनको आना अच्छा लगेगा बार बार। अरे साहब चले जाओ, क्या आदर करते हैं। दिल्ली के लोग ऐसा नहीं करते। दिल्ली के लोग गेट पर जैसे पड़ा दरवाजा मारते हैं, पड़ांग, जाओ लौट के नहीं आना। मैं दिल्ली वाले हमसे नाराज रहते हैं, महाराज जी बुराई बहुत करते हैं। बुराई क्या है, हम जानते हैं दिल्ली वालों। हाँ, दसों साल उधर गए कथा किए, लेकिन अपना ये प्रदेश स्नेह का प्रदेश है। सानुराग रहिए, सबको सम्मान दीजिए।